स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने से गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी है। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व करता हूं जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और तमाम देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। दोस्तों, ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद के, जो उन्होंने अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान हिंदू धर्म का परिचय देते हुए कहे थे। उन्होंने दुनिया के सामने हिंदू धर्म की धार्मिक वैचारिक सहिष्णुता को पेश किया था। अपने इस संबोधन में विवेकानंद ने विश्व के तमाम धर्मों के आचार्यों और प्रतिनिधियों के समक्ष जिस हिंदू धर्म की बात की या जिसका प्रतिनिधित्व किया, वो आज के हिंदुत्व से न केवल अलग था बल्कि उसके बिल्कुल उलट था। वैसे ही कितनी अचरज की बात है कि आज भी भारत हिंदू धर्म और हिंदुत्व की उसी सोच से पीड़ित है जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 130 साल पहले की थी। दोस्तों, आज जिस माहौल में हम सभी रह रहे हैं, हमें आए दिन हिंदुइज्म और हिंदुत्व शब्द सुनने को मिलता ही रहता है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व को समझने के लिए पहले हिंदू शब्द को समझने की जरूरत है। कई शास्त्रों और धार्मिक नेताओं ने इसे अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने की बहुत कोशिश की है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरबिंदो, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्रपाल और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंदू होने पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और कहीं ना कहीं आज भी इस बात पर शोध जारी है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक सनातन सभ्यता से जन्मे हिंदू धर्म को आखिर किस तरह परिभाषित किया जाए। लेकिन आज एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म और एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व के बीच के संबंध पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भारत में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, आधुनिक जिंदगी पर चर्चा होने की बजाय भारतीय राजनीति में गाहे बेगाहे चर्चा हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर होने लगती है। एक विकासशील देश की राजनीति में होने वाली ये चर्चाएं उसे बहुत पीछे ले जाती हैं। लेकिन फिर भी भारत की राजनीति अगर हमारे सामने ये बहस बार बार पेश कर रही है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व क्या है, इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है या फिर ये एक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हजारों वर्षों से सतत चला रहा है। ये एक ऐसी परंपरा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा हुई और इसने भारतीय संस्कृति को आकार दिया। हिंदू धर्म न केवल एक धर्म है बल्कि बहुसंख्यक भारतीयों की एक अभिन्न पहचान भी है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है कि हिंदू धर्म कब शुरू हुआ या इसके संस्थापक या प्रसारक कौन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें देखकर यह माना जाता है कि या तो ये हिंदू धर्म का अंग है या उसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटो शिवशील, देवी मां की टेराकोटा मूर्तियां, स्वास्तिक, जानवरों की पवित्र मूर्तियां आदि, जो आज हिंदू धर्म के अंग हैं। इसलिए यह माना जाता है कि किसी ना किसी रूप में उस समय से हिंदू धर्म अस्तित्व में था। इतिहासविद ऐसा मानते हैं कि वैदिक संस्कृति से संगठित तरीके से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसी समय हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे में हिंदू धर्म का पहला साहित्यिक प्रमाण हमें वैदिक काल में मिलता है। इसके साथ ही संस्कृत भाषा विशेष रूप से हिंदू धर्म के विकास से संबंधित है, जिसने हिंदू धर्म की विश्वास प्रणाली को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। मगर ऐसा माना जाता है कि हिंदू शब्द उत्तरी भारत में सिंधु नदी से लिया गया था। प्राचीन काल में इस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन फारसियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इसकी भूमि को हिंदुस्तान।
इसके बाद ही यहां रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इसी तरह हिंदू शब्द 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक सांस्कृतिक संप्रदाय के बजाय एक भौगोलिक इलाके का जिक्र करते हुए अस्तित्व में आया। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनमें से 90% भारत के हैं। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू अपने धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म में धार्मिक प्रथाओं या मान्यताओं का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म एक संगठित धर्म नहीं है। ये कई मान्यताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, जाति या समुदाय संचालित प्रथाओं से प्रभावित है। कर्म की अवधारणा के अलावा आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष हिंदू धर्म की केंद्रीय विश्वास प्रणाली का हिस्सा है। हिंदू धर्म में आत्मा की अवधारणा के अनुसार सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है, जो भगवान का एक रूप है। हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि लोगों के कर्म उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म में जीवन के चार उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जन्म के चक्र को समाप्त कर देता है और आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। आमतौर पर हिंदुइज्म धर्म और संस्कृति के बीच अंतर नहीं करते। इतना पुराना होने के बावजूद हिंदू धर्म अभी भी जीवित है। सबसे बड़ा कारण यह है कि समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार लाए गए और उन्हें पुनर्जीवित किया गया। भले ही वो दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन हो या विभिन्न आचार्यों द्वारा किया गया आंदोलन था, हिंदू धर्म इतना लचीला है कि ये सभी विचारों को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को भी सत्य मानता है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के द्वारा आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। कहा जाता है कि हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने साल 1816-17 में किया था। इसके बाद 1830 के आसपास ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का विरोध करने और दूसरे धार्मिक समूहों से खुद को अलग दिखाने के लिए भारतीयों के एक संप्रदाय ने खुद को मुखर रूप से हिंदू और हिंदू धर्म को अपना धर्म कहना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब हिंदू अपनी पहचान के लिए अपने धर्म की अंतरात्मा को खोज रहे थे। वही दोस्तों, हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू धर्म की प्राचीनता या सनातनता के विपरीत हिंदुत्व की अवधारणा अभी शताब्दी भर भी पुरानी नहीं पड़ी है। यूं तो वीर सावरकर को हिंदुत्व की विचारधारा का जनक कहा जाता है, लेकिन देश के इतिहास से जुड़े पन्नों में झांकने पर तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। इतिहास के पन्नों में हिंदुत्व की विचारधारा की जड़ें बंगाल से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। इन जड़ों पर बारीक नजर डालने पर पता चलता है कि सावरकर के होश संभालने से पहले ही बंगाल ने हिंदुत्व की विरासत को सहेजने का प्रण ले लिया था। हिंदुत्व, भारत माता, वंदे मातरम जैसे शब्दों को पश्चिम बंगाल की धरती पर ही मूर्त रूप दिया गया था। कहना गलत नहीं होगा कि सावरकर तो बाद में आए, हिंदुत्व का इतिहास पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। एक शब्द में कहें तो हिंदुओं के सामाजिक सुधार को लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान जो आंदोलन शुरू हुआ, आगे चलकर उसी से हिंदुत्व का जन्म हुआ, जिसकी कहानी शुरू होती है बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग के वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर के संपर्क में आने से, और यहां से शुरू होता है हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का महाअभियान, जिसे इतिहास में हम सभी इंडियन रिनेसांस के नाम से जानते हैं। इस अभियान के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना करते हैं, और यहीं से अंधविश्वास, जातिवाद और सती प्रथा जैसी रवायतों पर सख्त एतराज शुरू होता है। महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए वकालत शुरू होती है, लेकिन इसी के साथ साथ मूर्ति पूजा, धर्म ग्रंथों और अवतारों का विरोध भी शुरू होता है। अब तक जो हिंदू समाज विभिन्न मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन करता चला आ रहा था, उसे एक धारा की ओर मोड़ने की कोशिश हुई। इसी कालखंड में बंगाल के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर भी 1842 में ब्राह्मो समाज से जुड़ गए। वेस्टर्न कल्चर और शिक्षा का बढ़ता प्रभाव बंगाल के हिंदुओं को हीन भावना से भरने लगा, मगर इस एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी शुरू होने लगा,
जहां हिंदू सभ्यता और संस्कारों पर लगातार उठते सवालों ने हिंदुत्व की रक्षा की विचारधारा का सूत्रपात राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसी सबके बीच 1892 में चंद्रनाथ बसु की किताब हिंदुत्व प्रकाशित हुई। हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले प्रचलित उपयोग इसी किताब में हुआ। ये किताब हिंदुओं को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। हिंदू जागरण के अभियान की शुरुआत तो विलायती शिक्षा और संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद की शक्ल ले ली। उसकी मूल भावना यह थी कि हिंदू कमतर नहीं है और उन्हें दबाया नहीं जा सकता, और इस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ध्रुवीकरण का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर 1905 में बंगाल का हिंदू मुस्लिम आबादी के लिहाज से विभाजन कर दिया गया। इसके साथ ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही इसके काउंटर मेजर के रूप में बंगाल में हिंदुत्व के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इस दौरान बने संगठनों में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन था। तो अब आइए रुख करते हैं विनायक दामोदर सावरकर के विचारों की ओर, वर्तमान राजनीतिक विमर्श में जिन्हें हिंदुत्व का जनक कहा जाता है। ये ख्याल रहे कि जब 1892 में चंद्रनाथ बसु की किताब हिंदुत्व प्रकाशित हुई थी, तब सावरकर सिर्फ 9 साल के थे। माना जाता है कि हिंदुत्व शब्द का प्रयोग वीर सावरकर ने इसी किताब के माध्यम से किया था, जबकि 1909 में सावरकर ने कई ब्रिटिश लाइब्रेरी में साक्ष्य जुटाकर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखी, जिसके छपने पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। अब तक 1857 संग्राम को सैन्य विरोध के रूप में ही जाहिर किया गया था, जबकि सावरकर ने इसे भारतीय नजरिए से लिखा। किताब में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य उत्साह का उल्लेख था, साथ ही उनको मिले धोखे का भी। यदि आस्था के लिहाज से देखें तो सावरकर नास्तिक थे, लेकिन सामुदायिक रूप से वो हिंदुओं की एकता के पक्षधर थे, जो कि किसी भी तरह से जातिवाद से परे हो। उनकी गतिविधियां और संगठनात्मक अभियान पहले ब्रिटिश राज के विरोध से शुरू होते हैं, जो आगे चलकर इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध केंद्रित हो जाते हैं। उनके विचारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर काफी मान्यता मिली। यही वजह है कि आज हिंदुत्व को सावरकर से जोड़कर विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में यह साफ तौर पर कहा है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक दूसरे से अलग है। इस दुनिया में हिंदुत्व को हिंदू धर्म की राजनीतिक शाखा के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। हिंदुत्व खुद को हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और धार्मिक सिद्धांतों से नहीं जोड़ता, इसका संबंध केवल हिंदू पहचान की राजनीतिक एकता से है। जिस वक्त इस शब्द को गढ़ा गया था, उस दौरान उनकी दृष्टि यह थी कि जब हिंदुत्व हिंदू समाज पर हावी हो जाएगा तो राजपूत और मराठा और तमिल और बिहारी और अन्य आंतरिक मामलों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, लेकिन जब एक विदेशी दुश्मन का सामना करना पड़ेगा तो प्रत्येक हिंदू एक चट्टान के रूप में एक साथ खड़ा होना सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, हिंदुत्व शब्द का फर्स्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले 1994-6 SCC 360 में इस्माइल फारूकी मामले में दर्ज किया था, जिसने वैलिडिटी ऑफ द 1993 सेंट्रल लॉ को चुनौती दी थी, जिसमें अयोध्या और बड़े विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति SP भरूचा ने कहा था कि आमतौर पर हिंदुत्व को जीवन के एक तरीके या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है और इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के साथ बराबरी या समझा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां आपने हिंदुत्व और हिंदुइज्म के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझा। आइए इन दोनों के बीच के अंतर की विस्तार से चर्चा करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व। दोस्तों, आज यदि आप किसी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के फॉलोअर से पूछें कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है, तो वो कहेगा कि हां, हिंदुत्व और हिंदू धर्म वास्तव में एक ही है, या ये कि हिंदुत्व वास्तव में एक सुपरसेट है जिसमें राजनीति और अर्थशास्त्र शामिल है, जबकि हिंदू धर्म का दायरा केवल धर्म और संस्कृति तक ही सीमित है। वहीं अगर यही सवाल आप एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या लिबरल एथीस्ट या सो कॉल्ड सेक्युलर आइडियोलॉजीज के किसी फॉलोअर से पूछें, तो वो हिंदुत्व को अपरकास्ट, अपर और मिडिल क्लास के हिंदुओं के फैशिस्ट, नेशनलिस्टिक, हेजेमेनिक, कम्युनल सुप्रेमिसिस्ट, पेट्रियार्कल, मिसोजिनिस्टिक और कास्टेइस्ट सिस्टम पर बल देगा।
हिंदुत्व का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म की मूल भावना और मर्म पर बात की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि असल में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। अगर हम हिंदुत्व की वही परिभाषा देखें जो सावरकर ने दी थी, तो उसमें कॉमन नेशन, कॉमन रेस और कॉमन कल्चर की बात की जाती है। जाहिर है यहां पर हिंदुओं को जियोग्राफिकल, कल्चरल और एथनिक ग्रुप से एकदम अलग रूप से एकत्रित करने का और हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का भाव है, जिसके चलते सावरकर ने भारत में जन्मे बुद्धिज्म, जैनिज और सिखिज्म को भी हिंदुइज्म में ही माना है, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को इससे बाहर रखा है। यही कारण है कि अक्सर हिंदुत्व की विचारधारा की तुलना हिटलर के नाज़ीवाद से की जाती है, जहां एकीकरण के नाम पर एक वर्ग विशेष की पहचान को देश की पहचान के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। हालांकि हिंदुत्व शब्द अपने आप में गलत नहीं है और इसे हिंदुइज्म का एक एक्सटेंशन ही माना जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 1996 के रमेश यशवंत प्रभु केस में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जे एस वर्मा ने माना था कि आमतौर पर हिंदुत्व को एक जीवन शैली या मन की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है, इसे हिंदू धर्म के कट्टरवाद के साथ नहीं समझा जा सकता। इस धारणा को आगे बढ़ाना एक गलत फहमी होगी। मगर यदि हम शब्द की परिभाषा को छोड़ इसके मर्म को समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि समय के साथ हिंदुत्व शब्द का प्रयोग एक बिल्कुल अलग रूप में होने लगा है। जहां आज हिंदुत्व एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका पूरा जोर हिंदुओं की राजनीतिक एकता बनाने पर रहता है, वैसी राजनीतिक एकता जो उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके। हिंदुत्व कोई सोशल आइडियोलॉजी नहीं है। इसका विश्वास हिंदू धर्म के भीतर मौजूद जाति प्रथा को खत्म करने या दूसरी खामियों को सुधारने का नहीं है। इसकी सारी कोशिश केवल इतनी है कि हिंदू पहचान के सहारे राजनीतिक एकीकरण किया जाए और सत्ता तक पहुंचा जाए। जाहिर है कि इस अवधारणा को न हिंदू धर्म सपोर्ट करता है न ही संविधान, फिर भी एक राजनीतिक संप्रदाय के अनुयायी इस तर्क के साथ इसको हिंदू धर्म का पर्याय बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म और हिंदुत्व के फॉलोअर्स के बीच एक और अंतर भी हमारे भारतीय इतिहास की व्याख्या से संबंधित है, और इसका संबंध भारत पर इस्लामी और ब्रिटिश शासन से है। हिंदू उदारवादी भारत पर शासन करने वाले मुसलमानों और भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों को एक अलग स्तर पर मानते हैं। उनका तर्क है कि भारत में मुसलमानों की लंबी उपस्थिति के दौरान वे अपने निवास के आधार पर भारतीय बन गए थे, और इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष था जिसमें दोनों एक साथ लगे हुए थे। हालांकि हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखने वाले स्थिति को अलग तरह से देखते हैं। उनके अनुसार भारतीयों की असल लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि हिंदू और इस्लाम के बीच थी, और आज भी है। भारत पर 200 साल के ब्रिटिश शासन को इस 1000 साल पुराने संघर्ष में केवल एक अंतराल के रूप में देखा जाता है। वास्तव में हिंदुत्ववादी लोग भारत पर ब्रिटिश शासन को मुस्लिम शासन की तुलना में कुछ हद तक अनुकूल रूप से देखने के लिए इच्छुक हैं। एक दूसरे बिंदु जिस पर हिंदू लिबरल्स और हिंदू नेशनलिस्ट एक दूसरे से अलग हैं, वो है महात्मा गांधी की मौत। हिंदू उदारवादी महात्मा गांधी की मौत को गलत मानते हैं, वहीं हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे के फैसले को सही ठहराते हैं। हिंदू उदारवादी भारत की आजादी के लिए गांधी की महिमा को मानते हैं और इसलिए गांधी को उच्च सम्मान में रखते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी भारत की स्वतंत्रता पर नहीं बल्कि भारत के विभाजन पर ध्यान देते हैं, और वो भारत के मुसलमानों के प्रति गांधी के रवैये को गैर जिम्मेदार मानते हैं। वे गांधी के इस रवैये को देश के विभाजन का कारण मानते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व के अर्थ के संबंध में अलग अलग विचार मौजूद हैं। कुछ लोग इसे धर्मनिरपेक्ष के लिए खतरा मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक विचारधारा मानते हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट कर सकती है, और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है क्योंकि यह भारत में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी इस शब्द को यही अर्थ दिया है। कंक्लूजन। दोस्तों, हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति जो भी हो, लेकिन अब इसे व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए जो सभी को स्वीकार करता है और किसी भी धर्म के लिए बहिष्कारवादी नहीं है,
साथ ही लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि वे उन लोगों से सवाल कर सकें जो धर्म के आधार पर राजनीतिक लामबंदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी विचार को लेकर कई राजनीतिक चिंतक भी यही कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में पारिभाषिक तौर पर तो अलगाव किया जा सकता है, लेकिन जब तक इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता रहेगा तब तक हिंदू धर्म की वसुधैव कुटुंबकम की भावना के उलट सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा मिलता रहेगा। ऐसे में इन दोनों अर्थों में से हमें किसे अपना सहयोग देकर पुष्ट करना है, यह फैसला भी हमें ही करना होगा। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, मगर यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन: रिलीजन इन इंडिया वॉज नेवर स्टैटिक इन कैरेक्टर बट वॉज ड्रिवन बाय एन इनहेरेंट डायनामिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।